आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल क्लासिक हॉट चॉकलेट की रेसिपी। हॉट चॉकलेट एक बहुत ही कम्फर्टिंग और चॉकलेटी ड्रिंक है, इसलिए बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और ये विंटर्स के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसे क्रिसमस या न्यू ईयर पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं या आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इस हॉट चॉकलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कंसिडर करिएगा। तो चलिए इस हॉट चॉकलेट की रेसिपी को शुरू करें। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन को लो फ्लेम पे रखा है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप या 250 ml दूध। ये दूध ऑलरेडी बॉयल्ड है और इसे मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी आप अपनी मिठास के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोको पाउडर ऑलरेडी मीठा है तो आप थोड़ा कम ही चीनी यूज़ करें। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कॉफ़ी, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, इसमें ऑप्शनल है, और 1 छोटा पीस दालचीनी। क्रीम को भी हॉट चॉकलेट में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे विस्क की हेल्प से। और थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ, लगभग 1/4 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और हाँ, आप इसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें। यहाँ पर हॉट चॉकलेट में एक बॉयल आ चुका है तो अभी हम फ्लेम को लो करके इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए सिमर करेंगे ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। दो मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट पीसेस। तो यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट यूज़ किया है, आप कोई भी अपनी मनपसंद चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि चॉकलेट बॉटम में चिपक सकती है, तो इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और लास्ट में इसे थोड़ा और थिक करने के लिए इसमें मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था जिसे मैंने थोड़े से पानी में घोल कर ऐड किया है। इस सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके हम हॉट चॉकलेट को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो भी पक जाए और हमारा हॉट चॉकलेट और थिक हो जाए। 2-3 मिनट बाद आपका हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे करते हैं सर्व। तो इसे मैं स्ट्रेन करके सर्व कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अगर बाय चांस कोई भी कॉर्नफ्लोर के पीसेस हो और जो हमने सिनेमन डाली है वो सारा निकल जाए। लास्ट में मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से क्रीम के साथ और कोको पाउडर के साथ, जो कि इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आपका मज़ेदार हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसे विंटर सीजन में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अगर आपका मन करे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।